प्यारे दोस्तों, अप्रैल का माह चल रहा है। हमारे देश में गणगौर का पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणगौर बनाए जाते हैं मिट्टी के, ईश्वर और गणगौर जी बनाए जाते हैं, और विवाह के उपरांत लड़कियां उनकी पूजा करती है और अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर पूजा करती है। तो आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ती होगी ईश्वर और गणगौर का चित्र बनाने की। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप घर पे एक चार्ट शीट पर ईश्वर गणगौर का चित्र बना के दीवार पे लगा सकती हैं। देखिए, ये हमारा पूरा एक शीट है, मैं मार्कर से बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिख सके। आप शुरू करेंगे तो पहले पेंसिल से करेंगे, उसके बाद मोटे मार्कर से उस पर लाइनिंग कर देंगे पूरे चित्र पे, और फिर उसमें हल्का कलर भरेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। इस साइड हम गणगौर जी बनाएं, इस सॉरी ईश्वर जी इधर बनाएंगे और गणगौर इस साइड बनाएंगे हम। तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों के चेहरे से शुरुआत करेंगे। तो चेहरा बनाने की सबसे सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, इस प्रकार का अर्धगोला तो इधर कर देंगे आप, और ये एक अर्ध गोला इधर कर देंगे आप। इसको ईश्वर जी बनाएंगे, इनको गणगौर जी। इस गोले को मैंने नीचे इसलिए किया है ताकि गणगौर जी छोटे रहें और ईश्वर जी लंबे रहें। इतना करने के बाद देखिए कितना सिंपल तरीका है। इनको ईश्वर जी कैसे बनाएंगे, ये लाइन लेंगे, यहाँ टच कर देंगे, फिर ये कान बनाएंगे इनके, ये कान के ऊपर थोड़े से बाल। वीडियो पूरा ज़रूर देखना तभी आप समझ पाओगे। और फिर ये पगड़ी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। ये ईश्वर जी बन गए। इसके बाद इनका गला कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, ये इनके कुर्ते की कॉलर बन जाएगी। आँख नाक नक्श थोड़ा रुक के बनाते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये शोल्डर प्रकार बनेंगे, और यहाँ से फिर इस प्रकार से ये शरीर बनाएंगे, ये कमरबंद कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और ये कुर्ता इस प्रकार से ये बनाएंगे। एक हाथ को गणगौर जी का हाथ थामे हुए बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ाएंगे, तो इसको इस प्रकार से बना देते हैं। इसमें हम तलवार दे देंगे। उसके बाद ये इनकी धोती इस प्रकार से बनेगी। ये दूसरे पांव की धोती, और इस प्रकार से ये पैर बना देते हैं हम, और पैरों में ये जूते इस प्रकार बनाएंगे। तो ये ईश्वर जी बन गए। अब हम क्या करते हैं, इनके हाथ में तलवार पकड़ा देते हैं और फिर गणगौर माता का चित्र शुरू करते हैं। ये देखिए तलवार कुछ इस प्रकार से पकड़े हुए खड़े हैं ये जमीन पे टेक के। ये इनकी तलवार बन गई। अब इनका चेहरा बनाते हैं। देखिए चेहरा बनाने के लिए सिंपल तरीका है, बीच में एक बिंदी करेंगे ताकि मेजरमेंट ठीक से हो जाए, दोनों आँखों का बराबर रहे। ये पहली आँख और ये दूसरी आँख, और इनके ऊपर आईब्रो, और फिर ये इस प्रकार नाक, और इस प्रकार से होठ, और फिर इनकी मूछें कुछ इस प्रकार से बना देंगे। ये बन गए ईश्वर जी। इन्हें हार भी पहनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से पहनाएंगे। देखिए और कुछ डिजाइन बेल बूटे ये बनाएंगे ड्रेस में। ये देखिए गोटा पत्ती बनाएंगे, ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये ईश्वर जी बन गए।
इनके जूते भी मैं काले कर देता हूँ, काले कर सकते हैं, ब्राउन कलर के भी कर सकते हैं, ये जूते बन गए। और माथे पे जो पगड़ी है उसके ऊपर ये कुछ इस प्रकार का आप देखे ज़रूर होंगे, ये ईश्वर जी बन गए। अब गणगौर देवी देखिए, यहाँ से फोरहेड कुछ इस प्रकार का बनाएंगे, उसके बाद ये कान बनाएंगे, उसके बाद ये बाल बड़े बनाने हैं हमको स्त्री के, तो इस प्रकार। फिर ये गला, वही प्रोसेस है जैसे इनका गला बनाए थे वैसे ही गला बना देंगे। फिर ये शोल्डर कुछ इस प्रकार बना देंगे, फिर यहाँ से थोड़े चेस्ट निकाल के और ये इस प्रकार करेंगे, यहाँ से पेट बनाएंगे, और पेट बनने के बाद ये पेटीकोट का जो ये बेल्ट बन जाएगा, और उसके बाद हम इस प्रकार से इनकी ड्रेस बना देंगे और नीचे से इस प्रकार मिला देंगे। इसको भी डबल लाइन कर देते हैं। इतना करने के बाद एक हाथ ये बन गया, इसमें चूड़ियां साथ ही साथ बना देते हैं। आप रंगीन कलर की चूड़ी बना सकते हैं, लाल हरी। ये दूसरा हाथ कुछ इस प्रकार, और इसको भी बढ़ा के यहाँ तक लंबा कर देंगे, और ये उंगलियां इस प्रकार बना के चूड़ियां पहना देंगे, और ये बाल है इनको यहाँ तक बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद इनको लगे हाथ में काले कर देता हूँ बालों को। आप ये काम पेंसिल से करेंगे और उसके बाद ये मार्कर से इसे बोल्ड कर देंगे, गहरा कर देंगे, और उसके बाद आराम से कलर भरेंगे। इतना हो गया। अब नाक नक्श बनाते हैं। ये गणगौर माता की आँखें, ये आईब्रो, ये नाक और ये होठ, ये बिंदी लगा देते हैं। यहाँ ये थोड़ी सी डिजाइन पहले ही डाल देते हैं हम। अब इतना करने के बाद इनके सर पर चुनरी बनाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इधर से भी बढ़ाएंगे, इस प्रकार से ये चुनरी बनेगी, और चुनरी का एक पल्ला ईश्वर जी के हाथ में, जिसे गरजोड़ा भी कहा जाता है, इस प्रकार बनाएंगे। और यहाँ थोड़े थोड़े माता के पैर दिख रहे हैं तो वो भी बना देंगे। अब इसमें उनके घाघरे में हम फूलों की डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे। और ये चुनरी है, इसके भी बेल बूटे और डिजाइन गोटा पत्ती लगा सकते हैं। आप जितना चाहो उतना डेकोरेट कर सकते हैं, गले में हार पहना सकते हैं, कंठी पहना सकते हैं, यहाँ पर टिकला पहना सकते हैं, यहाँ पर भी चूड़े जो होते हैं हाथी दांत के वो पहना सकते हैं, इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मोतियों का हार पहना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप कितना डेकोरेट कर सकते हैं। ईश्वर जी के यहाँ भी माला पहना सकते हैं। तो इस प्रकार ये ईश्वर गणगौर का सुंदर चित्र बन गया है। इसमें कलर भी अगर भरना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले पार्ट में कलर भरने का भी बताऊंगा मैं, अगर आप डिमांड करेंगे। वैसे ग्रीन कलर का घाघरा, ये भी ग्रीन, ये लाल, ये पीले कपड़े, ये स्काई कलर की धोती, ये लाल कलर की पगड़ी, और चेहरे में स्किन कलर कुछ इस प्रकार आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गणगौर माता, जय ईश्वर भगवान, धन्यवाद।